दोस्तों आज थोड़े वास्ते कॉर्नर की कोठी लेके आए हैं। बहुत ही प्राइम लोकेशन दे विच है, सैक्टर 125 दे विच है। तुसी साइड लुक देख सकते हो, इन्ना बड़ा गार्डन जोन एरिया है और तुसी चाहे अंदर दो तीन टू व्हीलरस भी खड़ा सकते हो दोस्तों। तो कॉर्नर की कोठी हैगी है, प्रॉपर रहायश हैगी है, तुसी देख सकते हो। वाटर सीवरेज कनैक्शन सारे पे हुए हैं दोस्तों और कोठी का एलीवेशन ही देख सकते हो बहुत स्ट्रोंग हैगा और बहुत ही प्राइम लोकेशन दे विच हैगी है दोस्तों। दोस्तों ये फ्रंट लुक आ गई हैगी कोठी की, मैं अंदर चल के हम थोड़ा कोठी दिखाना। आ हैगी है फ्रंट लुक और जिमें कि थोड़ा दिखा रहा है, आ मेन गेट आ गया दोस्तों, देख सकते हो। आ फ्रंट एलीवेशन आ गया जी, आ मेन एलीवेशन है फ्रंट, आ मेन गेट आ गया। इतने बड़ी कार लग जाती है, कार बाहर लग जाती है और एक वो गेट साइड पर भी दिता, उतों भी गड्डी आराम नाल लग जाती है। कॉर्नर हाउस है 110 गज का है, डबल स्टोरी है। हुण आपां अंदर चल के देखते हैं इस कोठी नूं दोस्तों। दोस्तों जिवें कि आप अंदर एंटर हो रहे हैं, इस साइड तो भी एंट्रेंस हैगी, गेट मैं खोलिया, इतों भी एंट्रेंस हैगी। तुसीं देख सकते हो काफ़ी पार्किंग स्पेस हैगी है, इतने भी दो टू व्हीलरस लग सकते हैं। गार्डन जोन एरिया आ गया, कोठी बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही प्राइम लोकेशन दे विच हैगी है और जगह नूं बहुत ही अच्छी तरह यूटिलाइज किया है दोस्तों। नीचे आ जाता अपना सिलेंडर की ऑप्शन आ जाती है, 8 फुट के सारे स्टैंडर्ड दरवाजे हैगे है, तुसीं देख सकते हो। हुण आपां अंदर चल के देखते हैं इस कोठी नूं दोस्तों। क्वालिटी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हैगी है, उपर सारी लाइटिंग की हुई है और तुसीं देख सकते हो। आ बहुत ही अच्छा कॉन्सैप्ट हैगा, LED पैनल आ गया, फुल साइज LED पैनल है और क्रॉकरी स्टैंड हैगा। इधरों भी सनलाइट आ रही हैगी है और सामने भी सनलाइट आ रही हैगी है। कॉर्नर हाउस हैगा, बहुत ही प्राइम लोकेशन च है और LU शेप दे विच तुसी आराम नाल सोफा लगा सकते हो। 6 सीटर डाइनिंग टेबल थोड़ा इस जगह पर लगता है दोस्तों। दोस्तों वॉलपेपर्स लगे हुए हैं और ग्रिलिंग भी बहुत ही लक्कड़ का काम होया सारा, इतने कोई लोहे की चुगाट नहीं हैगी। तो दोस्तों काम च कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हैगा, काम बहुत ही प्यारा किया हैगा और बहुत ही प्यारी कोठी हैगी है, प्राइम लोकेशन दे विच हैगी है दोस्तों। और सामने आ जाती है मॉडलर किचन, मॉडलर किचन दे विच भी वाइट ते ग्रे शेड दे विच किचन हैगी है। टॉप तक जिहड़ी हैगी फॉल सीलिंग हुई हुई है। इस जगह ते क्रॉकरी स्टैंड ऑप्शन दी हुई है, तुसी अपना इत्थे समान रख सकते हो और सामने भी तुसी देख सकते हो प्रॉपर बड़ी कबोर्ड्स दी हुई हैं दोस्तों। नीचे भी बहुत सारे बॉक्सिज हैगे है, अजकल जो मॉडर्न जिहड़ी हैगी है ट्रेज वाला सिस्टम है, वही उस तरह ही मॉडलर किचन बनी हुई है। और गैस की ऑप्शन है, एक्वागार्ड की ऑप्शन है, उपर गीजर की ऑप्शन दी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों डबल शैंक हैगा, तुसी देख सकते हो। और उस तो अलावा छोटी छोटी चीज़ हर पिलर नूं भी जिहड़ा हैगा ग्रे शेड नाल बहुत ही अच्छा मेनटेन किया हुआ है दोस्तों। दोस्तों हम आप पहले रूम के भी चलते हैं। आ पहला रूम आ गया, उपर तक फॉल सीलिंग सारी हुई हुई है और तुसी देख सकते हो पिछे भी वॉलपेपर लग्या है और ये लक्कड़ नाल बहुत प्यारा लग रहा दोस्तों। अटैच वॉशरूम आ गया, सैनिटरी फिटिंग सारी हुई हुई है और बहुत ही प्यारा लोकेशन दे विच एक घर हैगा। और तुसी देख सकते हो उपर तक जिहड़ी हैगी फॉल सीलिंग हुई हुई है, LED पैनल बनया हुआ दोस्तों, स्लाइडर कपबोर्ड्स बनी हुई है और सामने ड्रैसिंग की ऑप्शन दी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों हुण आपां चलते हैं सैकेंड रूम दे विच। आ सैकेंड रूम आ गया, सेम सैकेंड रूम उपर फॉल सीलिंग डिजाइन बहुत प्यारा है, स्टार की तरह है डिजाइन और LED पैनल भी बनया हुआ देख सकते हो दोस्तों। और वॉलपेपर भी बहुत प्यारा लग रहा, वुडन बिच दी हुई है दोस्तों। अटैच वॉशरूम आ गया, वॉशरूम भी बहुत प्यारा कलर है, ग्रे शेड के है। आ वॉश बेसिन लग गया सियारा का, सीट लगन तो बाद भी बहुत जगह बचती है दोस्तों, तुम देख सकते हो दोस्तों। सियारा की फिटिंग हुई हुई है और टॉप तक जी है देख सकते हो, वॉलपेपर भी लगे हुआ है और स्लाइडर कपबोर्ड्स भी लगी हुई है और बहुत ही अच्छा काम होया है। जिमें कि मैं थोड़ा कपबोर्ड्स भी दिखा दिता, बहुत ही अच्छा, मतलब कपबोर्ड्स भी बहुत अच्छी बनी है और बॉक्स भी बने हैं। और ये आ गया अपने ड्रेसिंग की ऑप्शन आ गई, नीचे दो बॉक्सिस दिते हुए हैं। तो दोस्तों लक्कड़ का काम बहुत अच्छा होया है और कोठी भी बहुत ही अच्छी लोकेशन च है। साइड अपनी जेडे है व्यू आ रहा है सनलाइट का। और वो आ गया पहला रूम अटैच वॉशरूम एंड ये आ गया सेकंड रूम अटैच वॉशरूम। ये आ गई अपनी मॉडलर किचन आ गई दोस्तों और ये आ गई अपनी ड्राइंग रूम स्पेस आ गई और LED पैनल बड़ा बनया हुआ है दोस्तों। दोस्तों आप फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं।
दोस्तों मैंने सबसक्राइब लाइक जरूर करो, मैं हमेशा लाइव वीडियोज़ बनाता, मेरी हमेशा कोशिश होंगी है कि तुम्हें लाइव दिखावा। जब तुम सबसक्राइब करोगे मेरी वीडियो से जाओगे थोनू बहुत सारी कोठीज़ मिल जूगी, 50 लाख 60 लाख 70 75 प्लॉट्स भी मिल जूंगे। तो मैंने सबसक्राइब लाइक जरूर करो और वीडियो से जाके मेरी बहुत सारी कोठीज थी ऑप्शन जरूर देखियो। आप फर्स्ट फ्लोर पर आ गया सर, तुम देख सकते हो दोस्तों प्रॉपर टाइलिंग हुई हुई है, प्रॉपर टेक्सचर होया हुआ है और बहुत स्पेस हैगी है। आ साइड पर मैं आ गया, साइड पर पूरी एल शेप के बालकोनी हैगी, टफन ग्लास लग्या होया। आ नीचे का व्यू आ गया सारा, तुसी देख सकते हो दोस्तों। दोस्तों कोठी दी टॉप तक स्टेयर जा रही है, कल तुसी अगर सेकंड फ्लोर बनाना है तो थोनू तोड़न की जरूरत नहीं पैनी, टॉप तक स्टेयर जी है बनी हुई है दोस्तों। लैंप लग्या होया है, वुडन पत्थर की तरह जी है प्रॉपर टाइल्स लगी हुई है। 8 फुट के सारे बड़े दरवाजे है, अंदर एंटर करांगे सेम कॉन्सैप्ट है, जो नीचे सीगा वही सेम कॉन्सैप्ट है, कोई चेंजेस नहीं है। उपर भी सेम तुम देख सकते हो, यू तो एल शेप के आराम नाल सोफा लग जाता है, सेम 6 सीटर डाइनिंग लगता है और LED पैनल बनया हुआ दोस्तों। दोस्तों जिम्मे कि तुम दिखाना चाहवागा, MDF शीट लगी हुई है, पार्टीशन भी हैगा बिल्कुल नाल, और लकड़ की सारी चौगाठा हैगी है, और तुम देख सकते हो प्रॉपर काम किया है, बहुत प्यारा लग रहा है। डोरस की एंट्रेंस ही बहुत प्यारी हैगी दोस्तों। तो उस तो अलावा फस्ट फ्लोर के भी सेम वाइट तो ग्रे शेड के कपबोर्ड्स हैगी, किचन बनी हुई है, बॉक्सिस बहुत सारे बने हुए हैं, बट इतने क्रॉकरी स्टैंड नहीं है, नीचे क्रॉकरी स्टैंड सीगा, इस साइड पर नहीं है। सेम डबल शैंक हैगा, मॉडलर किचन है, जो अजकल ट्रेंड है वही है। नीचे तो ये डिफरेंस है कि इतने क्रॉकरी स्टैंड नहीं दिता। हुण आपां चलदे थर्ड रूम दे विच, आ थर्ड रूम आ गया, तुसीं देख सकते हो प्रॉपर फॉल सीलिंग हुई हुई है एंड वॉलपेपर भी लग्या होया, कपबोर्ड्स भी बनी हुई है, कपबोर्ड्स टॉप तक नहीं है, हाफ साइज है। और ये दोस्तों आगे अपना ड्रैसिंग की ऑप्शन आ जाती है, स्टोन दे विच दिता हुआ वॉशरूम बहुत प्यारा लग रहा है। और ये आ गया अपना थर्ड वॉशरूम, और मैं वॉशरूम के अंदर एंटर होया, सीट आ गई, आ वॉश बेसिन आ गया, जगह नूं बहुत अच्छा यूटिलाइज किया होया दोस्तों। तो दोस्तों ये अपना जो कि तुम्हें दिखाना वा दिखा रहा मैं, ये आ गया अपना थर्ड रूम। हुण आप चलते हैं फोर्थ रूम के, मैं थोड़ा फोर्थ रूम भी दिखा दिता। ये आ गया अपना दोस्तों फोर्थ रूम, फॉल सीलिंग डिजाइन चेंज हैगा, बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम बनया हुआ है। ये LED पैनल आ गया और वो पिछे वॉलपेपर लग्या हुआ है, अटैच वॉशरूम आ गया, वॉशरूम भी बहुत प्यारा बनया, स्टोन टाइप बनया। और देखिए सीट और शैंक लगन तो बाद हर एक वॉशरूम के स्पेस बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छी यूटिलाइज हुई है। तो दोस्तों ये आ गया अपना फोर्थ रूम, तुम देख सकते हो ऊपर सारी फॉल सीलिंग बहुत प्यारी हैगी है, LED पैनल आ गया और वॉलपेपर भी बिल्कुल मैचिंग लाया है ब्राउन शेड के। तो दोस्तों इस कोठी के 4 कमरे 4 वॉशरूम 2 किचन है, और आ अपनी मॉडलर किचन आ गई दोस्तों, सेम ड्राइंग रूम स्पेस है जो आप नीचे देखी सी, और ये LED पैनल आ गया, और ये आ गया अपना थर्ड रूम अटैच वॉशरूम, पीछे बालकोनी में जाता है रास्ता। एंड दोस्तों ये आ गया अपना फोर्थ रूम, और टॉप तक स्टेयर्स जा रही हैगी है, विद मॉन्टी हैगी है कोठी। अगर कोई दोस्त इस कोठी इंट्रस्टिड हैगा मैनू कॉल करन 7986051479 ते, मैनू सबसक्राइब लाइक जरूर करो, थोड़े सपोर्ट ते आशीर्वाद की लोड़ हैगी है। उम्मीद करता मेरी वीडियो थोनू पसंद आई होगी, आप फिर मिलते हैं दोस्तों एक नवी वीडियो नाल। इस वीडियो को देखने लिए थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद जी।